हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम ये किचन एप्रन बनाएंगे अपने वीडियो में। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। जैसे एक रिक्वेस्ट आई थी कि आप वाटर प्रूफ एप्रन बनाना बताएं, तो ये मैंने वाटर प्रूफ एप्रन बनाया है। इस एप्रन को बनाना भी बहुत इजी है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। किचन एप्रन बनाने के लिए ये मैंने कपड़ा लिया है। कपड़ा हम 1.5 मीटर लेंगे। 1.5 मीटर कपड़े में हमारा बन जाएगा। ये कपड़ा है 1.5 मीटर हमारा, इसको हम ऐसे खोल लेंगे। ये हमारा इस तरह से डबल है। ये कपड़ा मैंने ऐसे डबल कर लिया है। अब इसको हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे। ये मैंने कपड़े को फोल्ड कर लिया है। ये हम इतना फोल्ड करेंगे जितना चौड़ा हमें ये एप्रन चाहिए। तो यहाँ से मैं 11 इंच रख रही हूँ। ये हमारा सिंगल है, डबल करके हमारा ये 22 इंच हो जाएगा। और यहाँ से हमने लंबाई इसकी बनी है 30 इंच। लंबा ज़्यादा रखना है तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। जितना हमारा 1.5 इंच है उसमें हमारा ये 30 इंच है। कपड़े को एकदम हम बराबर करके रखेंगे, एक भी सिलवट नहीं आना चाहिए अंदर। अब यहाँ से हम नेक रखेंगे, तो नेक रखेंगे हम 4 इंच रखेंगे। अगर कोई मोटा है तो 5 इंच भी रख सकते हैं। नेक के लिए ये निशान लगाया मैंने। यहाँ पे हमारी पट्टी आएगी ऊपर तक यहाँ से, तो ये हम उतना रखेंगे। तो 30 और ऊपर की पट्टी डाल के हमारा ये 37 तक रेडी होगा। तो अब यहाँ से हम ये कमर के लिए निशान लगाएंगे। जितना हमारा कमर है उस हिसाब से हम लगाएंगे। तो यहाँ से मैं 8 इंच पे निशान लगा रही हूँ। ये मैंने 8 इंच पे निशान लगा दिया है। अब जितना हमारा यहाँ पे कमर है उस हिसाब से रखेंगे हम। जैसे मैं यहाँ पे 10 इंच रख रही हूँ, तो 10 इंच हम ऐसे निशान लगा लेंगे। अब ये निशान हमारा कमर का लग गया है। अब ये निशान है, इसको हम इस निशान के साथ ऐसे मिला देंगे। ये हमने ऐसे तिरछा ही लगा दिया है। अब इतना हमारा स्टिचिंग में आएगा, तो ये सीधे कपड़े की हम कटिंग करेंगे यहां से लेके सीधा आगे तक। जैसे ये कॉर्नर है हमारा, यहां से हम कट कर लेंगे, यहां तक कट करेंगे और ये हम आगे तक एक्स्ट्रा कट कर लेंगे। ये हमारा कट हो गया है। अब ये ऊपर का हमारा जॉइंट है, इसको हम अलग कर लेंगे। ये हमारे एप्रन की कटिंग हो गई है। अब यहां पे हमें स्ट्रिप्स लगानी है नेक के लिए और इस साइड के लिए, तो उसकी कटिंग करते हैं। ये हमारा कटिंग का पीस है साइड का। यहाँ से हम कमर के लिए निकालेंगे, तो यहाँ से हम 22 इंच पे निशान लगाते हैं। ये 22 इंच में रख रही हूँ यहाँ तक। यहाँ पे मैं 22 पे निशान लगाया है। यहाँ से चौड़े में मैं रख रही हूँ 4 इंच। आप अपने हिसाब से पतला जा कितना भी रख सकते हैं। ये हम ऐसे बराबर कर लेंगे। ये मैंने निशान लगा दिया है, ऐसे ही हम कट कर लेंगे। ये हमारी 2 स्ट्रिप्स बनेंगी दोनों साइड के लिए। ये 2 स्ट्रिप्स हमारी बन गई हैं। अब नेक के लिए हम लगाएंगे, तो नेक के लिए हमारे सिंगल लगेगी। तो नेक के लिए भी हम यहाँ से 22 इंच पे रखेंगे। छोटी या बड़ी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। चौड़े में हम इसको भी 4 इंच लेंगे। ये पट्टी के लिए निशान लगाया है मैंने, इसको हम कट कर लेते हैं। ये पट्टी भी मैंने कट कर ली है। अब यहाँ से हमें पॉकेट के लिए कपड़ा निकालना है, तो ये कपड़ा मैंने लिया है। यहाँ से हम 6 इंच रखेंगे। बड़ा छोटा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ से भी हम 6 इंच लेंगे। ये हमारा इस तरह से कट जाएगा ये। अब हमारा एप्रन और ये हमारी पॉकेट है और ये हमारी स्ट्रिप्स हैं, कट गई हैं। तो सबसे पहले हम स्ट्रिप्स रेडी करेंगे। जैसे ये हमारी स्ट्रिप्स है, ये हमारी नेक की है, तो इसे हम ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ से हम सिलाई लगा देंगे। ये हमारी 2 स्ट्रिप्स हैं, ये हमारी कमर में आएंगी, तो इनको हम ऐसे फोल्ड करेंगे। और ये स्ट्रिप्स यहाँ है कॉर्नर, इसको हम ऐसे यहाँ से ऐसे फोल्ड करके ये कट कर लेते हैं। ये हमारा इस तरह सा था। ये फोल्डेड पार्ट है, ये ओपन है, यहाँ से ऐसे कर देंगे तो, और हम यहाँ से कट कर देंगे। ये क्या हमारा एक शेप आ जाएगी इस तरह से। अब इनको भी हम सिलेंगे।
तो यहाँ से सिलेंगे, जैसे हमारी शेप आई है ऐसे करके यहाँ तक सिलते हैं, इसको हम सीधा ही सिलेंगे। अब ये सिलाइयाँ मैंने लगा दी हैं, अब हम इस कपड़े को सीधा करेंगे। जैसे ये हमारा कॉर्नर है, इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे और पेन की हेल्प से ऐसे हम कपड़े को सीधा करेंगे। ये कॉर्नर हम निकाल लेंगे इस तरह से। ये स्ट्रिप्स मैंने सीधे कर लिए हैं, यहाँ पे हम आयरन कर लेंगे जिससे हमारी सारी सिलाइयाँ बैठ जाएंगी। ये हमारी तीनों स्ट्रिप्स रेडी हो गई हैं। अब हम अपने एप्रन को रेडी करेंगे, जैसे पॉकेट के लिए जगह बनाएंगे यहाँ पे। तो ये हमारा कमर का निशान है, यहाँ से हम 4 इंच पे ऐसे निशान लगाएंगे। और ये हमारी पॉकेट है, इसको हम डबल कर लेंगे जितना हमारा ये स्पेस है यहाँ से। इसमें क्या हमारा फोल्डेड भी होगा अभी, तो यहाँ हम ऐसे निशान लगा लेंगे। यहाँ पे हमारा ये आएगी पॉकेट, दूसरी साइड में भी हम ऐसे ही लगाएंगे। ये हम इस तरह से निशान देख लेंगे और यहाँ से ऐसे निशान लगा देंगे। अब ये निशान मैंने लगा दिया है, इसका सेंटर आया है हमारा, ये देखिए। ये निशान हमारा पॉकेट का है, ये पॉकेट है हमारी। इसको हम चारों ओरों से ऐसे फोल्ड कर लेंगे थोड़ा थोड़ा। ये मैंने ऊपर की साइड से फोल्ड कर दिया है, यहाँ पे हम सेट करेंगे। यहाँ पे मैं पिन लगा रही हूँ इस तरह से। अब साइडों का कपड़ा हम फोल्ड करके यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाते हैं, यहाँ पे हम डबल लगा लेंगे। अब ये हमारी पॉकेट लग गई है। इस एप्रन को मैं वाटरप्रूफ बनाऊंगी, तो वाटरप्रूफ बनाने के लिए हमने ये प्लास्टिक लिया है। जैसे हमारी प्लास्टिक की कचरे की थैली आती है, ये हमारी बढ़िया वाली थैली है, वही हम लगाएंगे। या यहाँ पे हम आटे का भी लगा सकते हैं, आशीर्वाद आटा होता है उसी का। तो इस थैली को हम ऐसे इसके ऊपर ऐसे बिछाएंगे और इसके बराबर कट कर लेंगे। ये मैंने ऐसे रख दिया है प्लास्टिक, और इसी तरह ये हमारा दिख रहा है तो हम इस तरह काटेंगे। अगर हमारा नहीं दिख रहा, ट्रांसपेरेंट ना हो, तो इस पीस को हम ऊपर रखेंगे फिर कटिंग करेंगे। ये मैंने कट कर लिया है, एक्स्ट्रा हम उठा लेंगे। अब ये पीस हमारा कट गया है, इसको कैसे हम ज्वाइन करेंगे। जैसे ये पीस है हमारा, इसको हम उल्टा रखेंगे। ये प्लास्टिक मैंने ऐसे रख दिया है बराबर करके। अब हम इसको अटैच करेंगे यहाँ से सिलाई लगा के, जैसे हम लाइनिंग वाला कपड़ा सिलते हैं उसी तरह हम ये सेट करेंगे सिलाई करके। अब ये प्लास्टिक की शीट मैंने यहाँ पे अटैच कर दी है चारों ओर सिलाई लगा के। अब इस पीस को हम ऐसे सीधा करेंगे। अब ये स्ट्रिप्स हमने रेडी की थी, इनको हम अटैच करेंगे। जैसे ये कॉर्नर वाली है हमारी, ये कमर की साइड आएगी। जैसे ये हमारा कटिंग है, तो इसको हम यहाँ पे ऐसे लगाएंगे। ये मैं यहाँ पे पिन लगा के सेट कर रही हूँ इस तरह से। ये हमारा ये सिलाई आधा इंच है, ये छोड़ के हमारा इस तरह लगेगा। अब ये दूसरी साइड है, यहाँ भी हम ऐसे लगाते हैं। ये भी हम पिन लगा के यहाँ पे सेट कर लेंगे। ये हमारी दोनों स्ट्रिप्स यहाँ पे लग गई हैं, इनको हम ऐसे रखेंगे। अब ये हमारी नेक की साइड की है, तो यहाँ पे हम नेक की साइड इधर लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे इस साइड में, और इसी तरह से इस साइड में आएगा। यहाँ पे भी हम ये सिलाई है आधा इंच की, इसके बाहर लगाएंगे। ये सिलाई आएगी हमारी बाद में, तो यहाँ पे पिन लगाऊंगी। इस तरह हमारा सेट हो गया। अब ये है, इसको भी हम इस तरह लगाएंगे, आधा इंच सिलाई छोड़ के यहाँ पे पिन लगाती हूँ। ये हमारा फ्रंट पीस, इसी तरह हमारी ये अटैच हो गई है। यहाँ पे सिलाई लगा के भी हम कर सकते हैं पहले ही। इसके बाद हमारा ये दूसरा पीस है, दो पीस हमने काटे थे ये स्टार्टिंग में, तो इसका हम सीधी साइड इस रखेंगे और उल्टा साइड हमारा इधर आएगा। ये हमारे दोनों कपड़े सेट हो गए हैं बराबर करके। अब ये निशान मैंने लगाया है यहाँ से यहाँ 5 इंच का, यहाँ पे हमारी सिलाई नहीं आएगी। सिलाई हमारी यहाँ से लेके ऐसे पूरे में यहाँ तक आएगी, यहाँ से हम सीधा करेंगे तो सिलाई लगाते हैं। अब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी सिलाई लग गई है हमारी। अब हम यहाँ से, ये ओपन स्पेस है हमारा, यहाँ से सीधा करेंगे। तो ये कॉर्नर निकालते हुए
और ये ऊपर का प्लेस है, इसको हम ऐसे इस तरह से निकाल लेंगे। अब देखिए अपने एप्रन को मैंने खोल दिया है, यहाँ से पिन वगैरह हम निकाल लेंगे। ये हमारी स्ट्रिप्स इस तरह से आ गई हैं, ये हमारी दूसरी है और ये हमारी नेक की साइड की है। अब ये मैंने सीधा कर दिया है। अब ये हमारा ओपन स्पेस है, यहाँ से कपड़ा ऐसे फोल्ड करके यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ मैं पिन लगाती हूँ। ये कपड़ा हमारा इस तरह से है, दोनों को फोल्ड करके हम यहाँ पे पिन लगा लेंगे। अब यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे, यहाँ से और हमारा अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। ये कपड़ा हमारा ऐसे हुआ है, इसको हम अच्छे से ऐसे सीधा करके यहाँ से सिलाई लगाएंगे पूरे में। और ये हमारा ओपन था, ये भी हमारा यहाँ से सिल जाएगा। अब ये सिलाई मैंने लगा दी है, यहाँ पे पूरी हमारी सिलाई लग गई है। अब ये हमारी लंबाई यहाँ से आएगी नेक से, तो यहाँ से हमारी ये 36 इंच रेडी हो गया है। इस तरह से ये भी हमारी लंबाई इसमें ऐड होगी। फ्रेंड्स, हमारा वाटर प्रूफ किचन एप्रन बन के रेडी हो गया है। जैसे किचन में हम काम वगैरह करते हैं तो कपड़े का एप्रन है तो हमारे अंदर तक पानी चला जाता है दूसरे कपड़े में, तो ऐसे हम प्लास्टिक अंदर डाल के बनाएंगे तो ये हमारा एकदम सेफ रहेगा। हमारा किचन एप्रन बन के रेडी हो चुका है। वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो बेल बटन भी दबा लें, जिससे कि मेरे अगले आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।